हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल सीकर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल के साथ कैसे ज्वाइन करें। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल ईमेल है, आप उसके इसको जीमेल के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आइए चलिए मेरी स्क्रीन पे देखें कैसे ज्वाइन करते हैं प्रोफेशनल ईमेल को जीमेल अकाउंट के साथ। हाँ जी, मेरे पास ये एक साइटग्राउंड की वेबसाइट है, उसके अंदर मैंने एक वेबसाइट ली हुई है जिसके मेरी वेबसाइट का नाम है pixelfire.com। इस पर मैं आपको एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं उसी ईमेल को जीमेल के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगी। इस ईमेल के अंदर ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, ईमेल पे क्लिक किया जाता है अकाउंट्स। यहाँ पे आप कोई भी प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बना ली इन्फो। यहाँ पे हम उसको कोई भी पासवर्ड दे देते हैं। अब उसको क्रिएट कर देते हैं। जब ये ईमेल क्रिएट हो गई है, उसका एक पासवर्ड सेट हो चुका है। अब इस ईमेल को हम खोलते हैं। इसको ईमेल को खोलने के लिए ये मेरी प्रोफेशनल ईमेल खुल गई है लाइक दिस, ठीक है। बट अब हम इसे जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे। जीमेल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर एक मेल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग दी हुई है, हमें इसको चाहिए। इसके अंदर मैनुअल में जाएंगे। ये जो पूरी सेटिंग है, ये हमारी हेल्प करती है जीमेल के साथ कनेक्ट करने के लिए। जैसे इसके अंदर यूज़र नेम लिखा है, तो हम जहाँ पे भी वहाँ पे यूज़र नेम यूज़ करेंगे तो इसको फिल करेंगे। जब सर्वर की बात आएगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, पोर्ट नंबर इसको यूज़ करेंगे, एंड आउटगोइंग सर्कल के हमारे पास SMTP सर्वर होगा, एक POP सर्वर होगा। SMT मीन्स हम डाटा कहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और POP कहाँ से डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, अपनी जीमेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। सेटिंग के अंदर खोलेंगे। सेटिंग के अंदर हमें जाना है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट के अंदर। यहाँ पे हम एड ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम लिख लो। मैंने लिख दिया इन्फो लिख दिया। फिर ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस हमने क्रिएट किया है info@pixelfire.com, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्लिक किया। अब यहाँ पे SMTP सर्वर मांग रहे हैं। SMTP सर्वर मैंने आपको वहीं बताया था कि वहाँ उसने लिखा हुआ था pixelfires.com। यूजर नेम क्या है, info@pixelfires.com। पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया था, मैं उसको फिल कर दूंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो कनेक्शन यूज करना है वो हमने SSL यूज करना है, और पोर्ट नंबर हमने क्या यूज करना है, 465। मैंने इसको एड अकाउंट पे क्लिक कर दिया। ये एक वेरीफाई ईमेल चली गई मेरे इस ईमेल के अंदर। मैं यहाँ पे आप देखूंगी मेरे पास ईमेल आई है कि नहीं। ईमेल आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे एक कोड होगा, हमने इस कोड को कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। और इस सेटिंग के अंदर जो हमने खोली हुई थी, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और वेरीफाई कर देना है। ये हमारी ईमेल यहाँ पे ज्वाइंट हो चुकी है। अब हमें POP के साथ भी ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड ईमेल अकाउंट पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे info@pixelfires.com, जो भी आपके पास ईमेल हो आप उसको इसको लिख देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपने जो पहले से ईमेल आ चुके हैं, उन सारी ईमेल को अपने अकाउंट में इंपोर्ट करना है। मैंने कह दिया यस, यहाँ पे इसको चेक कर दिया। देन नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे यूजर नेम क्या है, pixelfires.com। पासवर्ड और POP सर्वर क्या है,
वो हमने वहाँ पे नोटिस किया था, पिक्सल फायर्स डॉट कॉम। अब इस पे हमने लेबल लगाना है, ठीक है, एंड SSL मैसेज रिट्रीविंग करना है, और इसका जो पोर्ट नंबर है 995 है, एंड देन एड अकाउंट। ये भी एड अकाउंट हो गया है, और उसके अंदर जो भी ईमेल्स थी वो फैच कर रहा है, यहाँ पे जो भी ईमेल्स थी उस ईमेल को मेरी जीमेल अकाउंट में फैच कर रहा है, ये फैच कर देगा थोड़ी देर में, और यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर अगर मैं देखूंगी तो वो वाले ईमेल्स ऐड हो जाएंगे। ये देखो वो वाला ईमेल मेरे पास यहाँ पे इन्फो पिक्सल वाला, ये देखो ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक मेल कंपोज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने मेल कंपोज की, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रही है कि आपने किस साइट से करना है, आप इन्फो से भी कलेक्ट करके यहाँ से मेल सेंड कर सकते हैं। देखो ये हमारी प्रोफेशनल ईमेल हमारे जीमेल के साथ अकाउंट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।